ऐतिहासिक तीर्थ स्थलों का सफर आज दक्षिण केरल के पाला धर्म प्रांत तक पहुंच चुका है। यह भारत की सर्वप्रथम महिला संत संत अल्फोंसा की जन्मस्थली है। आज की तीर्थ यात्रा की इस कड़ी में हम आपको कोटेयम स्थित संत अल्फोंसा की समाधि की ओर ले चलेंगे। संत अल्फोंसा का जन्म 19 अगस्त 1910 में कुडमेलोर के धर्मप्रांत में हुआ था। संत अल्फोंसा जब अपने मां के गर्भ में थी तब उनकी मां को निंद्रासन में एक सांप लिपट गया था, जिसके भय के कारण संत अल्फोंसा का जन्म 8वें माह में ही हो गया। जन्म के 8वें दिन उन्हें बपतिस्मा देकर उनका नाम अन्नाकुट्टी रखा गया। दुर्भाग्यवश 3 महीने बाद उनकी मां की मृत्यु हो गई। तत्पश्चात उनकी परवरिश उनके दादा दादी द्वारा की गई। उनकी दादी बड़े ही परोपकारी स्वभाव की थी और यही गुण संत अल्फोंसा को भी मिला। इन्हीं गुणों की वजह से वह बुलाहट में आगे बढ़ती गई। ये बात हमें उनके द्वारा लिखी गई बातों से पता चलती है। मैं प्रभु को बेहद प्यार करती हूं तथा गलतियां ना करने की कोशिश करती हूं। मेरे पहले पाप स्वीकार के बारे में बताने लायक कोई खास बात नहीं है, लेकिन मैं एक संत बनना चाहती हूं। संत टेरेसा की जीवनी के पठन से मुझ में यह इच्छा प्रबल होती गई। जब वह 7 साल की थी तब उन्होंने प्रथम बार प्रभु को ग्रहण किया था। अपनी प्राथमिक शिक्षा के बाद सन 1920 से वे अपनी सौतेली माँ के साथ रहने लगी। उनकी सौतेली माँ काफी कठोर स्वभाव की थी। संत अल्फोंसा अपने बचपन से ही कार्मेलाइट संस्था में समय बिताती थी एवं पवित्र युक्रिस्त की आराधना में घंटों व्यतीत करती थी। वह प्रभु से बेहद प्रेम करने लगी। प्रभु के साथ उनका रिश्ता और गहरा होता गया और वह उनमें और लीन होती गई। दरअसल उनकी सौतेली माता उनकी शादी के बारे में योजना बना रही थी, लेकिन अन्नाकुट्टी अपने मां के तमाम प्रयासों को रोकने की कोशिश करती रही। पूरी रात प्रार्थना में लीन रही। संत अल्फोंसा बेहद खूबसूरत थी और इस कारण उनके मन में विचार आया कि वह अपने आप को बदसूरत कर ले ताकि उनकी शादी के प्रस्ताव रोके जा सके। इस कारण उन्होंने अपने आप को जलाने की कोशिश की। वह अपनी इस पीड़ा को आत्माओं की मुक्ति के लिए चढ़ाती थी। उनके आध्यात्मिक मार्गदर्शक फादर जेम्स मुरिकिन ने उन्हें फ्रांसिस क्लारिस्ट धर्म समाज से परिचित करवाया। 2 अगस्त 1928 में अन्नाकुट्टी ने पोस्टुलेंसी में प्रवेश करके सेंट अल्फोंसस लिगोरी के आदर में अल्फोंसा नाम धारण किया।
19 मई 1930 में उन्होंने धर्म संघीय व्रत धारण किया। 12 अगस्त 1935 को नोवेशिएट में दाखिला लिया, लेकिन एक सप्ताह पश्चात उनकी बीमारियों की वजह से उनका स्वास्थ्य बिगड़ता चला गया। उस समय फादर कुरियाकोस चावरा के आदर में की गई नोवेना में उन्होंने पूर्ण चंगाई प्राप्त की। वे लिखती हैं कि मैं मेरी स्वाभाविक प्रेरणा के अनुसार ना कुछ बोलना ना कुछ करना चाहती हूँ। जब भी मैं गिरूं, मैं पछताती रहूंगी। मैं किसी को त्याग नहीं देना चाहती हूँ। मेरे हमेशा मीठे बोल ही होंगे। मैं मेरी आँखों को हमेशा काबू में रखूंगी। मैं मेरे छोटे छोटे पापों का पश्चाताप करूंगी। मुझे कितने भी कष्ट क्यों ना झेलना पड़े, मैं कभी नहीं भुनभुनाऊंगी। और यदि कभी मुझे लज्जित होना पड़े तो मैं पवित्र हृदय में अपने आप को छिपा लूंगी। सन 1930 से 1935 तक वह यातनाएं चुपचाप सहती गई। कुछ ही समय के लिए उन्होंने एक शिक्षक, धर्म शिक्षक व सचिव के रूप में अपनी सेवाएं दी। 12 अगस्त 1936 को उनके अंतिम व्रत के दिन उनकी चिरकाल अभिलाषा पूरी हो गई, जब वह प्रभु की वधु बनी। लेकिन उनके वर प्रभु येसु ने और अधिक पीड़ाओं से उनके जीवन को और प्रभुमय कर दिया। उनके अंतिम व्रत धारण के 2 दिन बाद दिनांक 14 को भरणंगानम पहुंचने के साथ साथ प्रभु के क्रूस का एक अंश उन्हें दे दिया गया। यह पीड़ाओं को सहने का बुलावा था। अपनी तमाम पीड़ाओं के बीच में भी वह सदा मुस्कुराती हुई अपनी धर्म बहनों से मिलती रही। सन 1945 से वह अत्यंत बीमार रहने लगी। एक ट्यूमर की वजह से उन्हें अधिकाधिक पीड़ा होने लगी और वह निरंतर प्रार्थना करने लगी। वह कहती हैं, एक दिन जो इन पीड़ाओं के बिना मैं गुजारूं तो उस दिन को मैं व्यर्थ समझती हूं। वह अपने मार्गदर्शक को 30 नवंबर 1943 को इस प्रकार लिखती हैं, मैं 7 साल की उम्र से ही अपनी नहीं रही, बल्कि मेरे प्रियतम प्रभु की बन चुकी थी। ये सच बात है कि संत अल्फोंसा ने पूरी तरह प्रभु को अपना बना लिया था। बाकी सब काम उनके लिए महत्वहीन और निरर्थक थे। उनके पीड़ामय जीवन का अंत 28 जुलाई 1946 को उनके कॉन्वेंट भरंगानम में हुआ। उनका पार्थिव शरीर आज भी वहीं रखा गया है जहां उन्हें दफनाया गया था। वे हमेशा अपनी पीड़ाओं को चुपचाप सहन करने वालों में याद की जाएंगी। ऐसा बताया जा रहा है कि उनके मृत्यु के दूसरे दिन से उनकी मध्यस्थता प्रार्थना से उनके चमत्कार घटित होने लगे। जो बच्चे उनके कमरे का दर्शन करने एवं उनकी कब्र पर मोमबत्तियां जलाने गए थे, उनकी प्रार्थनाएं सुनी गई। और इसी कारण संत अल्फोंसा के पवित्रतम जीवनी के बारे में लोगों को पता पड़ने लगा। अनेक लोग उनकी मध्यस्थता द्वारा अपने जीवन में अनेक वरदान एवं चंगाई अनुभव करने लगे।
इस प्रकार लगातार घटित हो रहे चमत्कारों के मद्देनजर तत्कालीन बिशप मार सेबेस्टियन वायलिल द्वारा उन्हें संत घोषित किए जाने की प्रक्रिया की शुरुआत 2 दिसंबर 1953 में की गई। संत पिता जॉन पॉल द्वितीय ने उन्हें 9 जुलाई 1985 में वनरेबल और 8 फरवरी 1986 में फादर कुरियाकोस एलियस चावरा के साथ कोटेयम में धन्य घोषित किया। आज अनेक लोग उनकी मध्यस्थता चाहते हुए भारंगम पहुंचते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूरी होती है। जब गेहूं का दाना टूटकर बिखरकर चक्की में आटा बन जाता है और ये आटा पवित्र यूक्रिस्त में इस्तेमाल किया जाता है, इसी प्रकार अंगूर जब वाइन प्रेस में पीसा जाता है और वह अंगूरी बन जाता है, यही अंगूरी प्रभु के रक्त में तब्दील हो जाती है। ठीक इसी प्रकार जिंदगी की कष्ट व पीड़ाएं एक साधारण से इंसान को एक बेहतर इंसान और कभी कभी संत भी बना देती है। संत अल्फोंसा एक साधारण धर्म बहन थी जिन्होंने अपने जीवन के कष्ट व बीमारियों को सहर्ष स्वीकार किया, यही उनकी पवित्रता का मुख्य कारण बना। पीड़ाओं के बारे में वह स्वयं इस प्रकार लिखती हैं कि मेरे प्रियतम प्रभु ने अनेक घोर पीड़ाओं को सहा, मैं भी उन्हें गले लगाऊंगी। इन पीड़ाओं के बीच मेरा शरीर टूटता जा रहा है, लेकिन मेरी आत्मा अपार सुकून महसूस करती है। पिछले 7 सालों में मैं ना रही, मैं पूरी तरह से प्रियतम प्रभु की बन चुकी हूँ। इतनी बेचैनी मुझे चंगाई को लेकर नहीं है जितनी मुझे उनकी इच्छा को मेरे जीवन में पूरी करने को लेकर है। एक धर्माध्यक्ष के अनुसार उन्होंने सब कुछ छोड़कर प्रभु को अपनाया और खुद को मिटाकर यीशु के लिए जीने लगी थी। इस सांसारिक दुनिया के मोह माया से मुंह मोड़े बिना आध्यात्मिक उन्नति मुमकिन नहीं है। संत अल्फोंसा के जीवन का केंद्र बिंदु सिर्फ यीशु ही थे। संत अल्फोंसा के जीवन एवं संतत्व भारत में विश्वास की गहरी नींव का प्रमाण है। आज भारत में जन्मी ये संत अपनी ज्योति बिखेरती हुई लाखों लोगों की आस्था का प्रतीक बन चुकी है। उन्हीं के लफ्जों में, हे प्रभु, मुझे अपने पवित्र घावों में छिपा दीजिए, प्यार और प्रसिद्धि पाने की तीव्र इच्छा से आजाद कर दीजिए, मुझे इतना नम्र बना दीजिए कि मैं आपकी प्रज्वलित पवित्र आग की एक छोटी सी लौ बन जाऊं, मुझे खुद को एवं नश्वर सांसारिक चीजों को भुला देने की कृपा दे। मेरे प्रियतम प्रभु, इस संसार की सारी सांत्वना मेरे लिए कड़वाहट ही पैदा करती है। हे प्रभु, मेरी बुद्धि एवं आत्मा को अपनी ज्वाला से प्रकाशित कर मेरे हृदय को शुद्ध कीजिए, मुझे आपके ज्वलंत प्रेम में समाहित कर लीजिए एवं मुझे आपके साथ एक बना लीजिए।